हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ग्राफ के डिफरेंट फॉर्म में हम लोग अपने वर्क को जारी रखे हुए हैं, और आज वाले वीडियो में मैं आपको एक नए फंक्शन से रूबरू कराऊंगा, और उस फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इसके बारे में पहले समझेंगे सिग्नम फंक्शन होता क्या है, इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे, डोमेन रेंज निकालेंगे और ढेर सारी बातें। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में समझते हैं वो होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सिग्नम फंक्शन fx equals mod x by x और x by mod x, मतलब कि fx की वैल्यू mod x by x और x by mod x होगी कब? Whenever x is not equal to zero, मतलब जब x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है कि fx को हम लोग mod x by x बोलेंगे या x by mod x बोलेंगे। मैं भी आगे डिस्कस कर रहा हूं आगे इसका मतलब क्या है। fx equal zero होगा कब? जब x जीरो है। ऐसे समझते हैं कि अगर हम लोग इस फंक्शन के इनपुट में x का वैल्यू जीरो नहीं होने देंगे, मतलब x पॉजिटिव हो x नेगेटिव हो, तो उस टाइम पे fx को हम लोग mod x by x समझेंगे, mod x by x लिखेंगे। दूसरी बात, जब हम लोग अपने फंक्शन के इनपुट में x को जीरो करेंगे तो ये डायरेक्टली आउटपुट जीरो दे देगा। ये सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन है। सिग्नम फंक्शन ऐसा बोलता है। थोड़ा सा हम लोग इसको ब्रेक करेंगे और कोशिश करेंगे समझने का कि आखिर हो क्या रहा है। आइए देखते हैं। यहां लिखा हुआ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो अगर x जीरो नहीं है तो x क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि x पॉजिटिव हो। तो जब x पॉजिटिव होता है तो मॉड x को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड x को तो हम लोग x ही बोलते हैं ना। ये लिखो चाहे लिखो, रिजल्ट यही आने वाला है ना जी। मॉड x को तो हम लोग x बोलते हैं। दूसरी बात, जब x नेगेटिव है तो मॉड x को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस एक्स बोलते हैं। ऐसा अभी हम लोग लास्ट वाले वीडियो में देखें समझे। और जब एक्स जीरो है तो ऑब्वियस आउटपुट ये डायरेक्टली जीरो दे रहा है। फाइनली ये बन क्या रहा है, थोड़ा समझते हैं। ये फाइनली क्या बन रहा है, इसको इससे कैंसिल करेंगे देन विल गेट वन। कब? जब एक्स पॉजिटिव होगा तब। सही है, एक्स जब क्या होगा पॉजिटिव होगा तब। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो माइनस वन बनेगा कब? जब एक्स नेगेटिव होगा तब। और यहां तो डायरेक्टली जीरो ही हम लोग देख पा रहे हैं। तो आई होप आप लोग सिग्नम फंक्शन के प्रॉपर्टीज को देख पा रहे हैं, डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं कि कब किस टाइम पर ये कैसा कैसा रिजल्ट देता है, कैसा कैसा आउटपुट देता है। एक बार फिर से, fx को mod x by x बोलेंगे whenever x is not equal to zero, fx को जीरो बोलेंगे whenever x is zero, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन है। अगर हम लोग मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन को क्लियर नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोगों को इस फंक्शन के डेफिनेशन को समझने में 110% प्रॉब्लम होगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि यहां पर मॉड को हम लोग यूज कर रहे हैं। सही है ना जी। आइए, तो यहां पर हम लोगों ने इसके डेफिनेशन को देखा। अब हम लोग इसके ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, आइए समझते हैं। हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ करना चाहते हैं। क्लियर करो। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियोस को देखा है, प्रीवियस वीडियोस को, जहां पर मैंने बेसिक ग्राफ के बारे में बातचीत की थी, मतलब जहां पर मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में बातचीत की थी, तो वहां से बहुत हेल्प मिलेगा आप लोगों को। जैसे यहां पे लिखा हुआ है fx equals 1, fx equals 1 का मतलब होता है y equals 1, है ना जी। y equals 1 मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है और x एक्सिस के पैरेलल, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा। ध्यान से देख लो जी, ग्राफ कुछ ऐसा। यहां पे लिखा हुआ x पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यू जब पॉजिटिव है तब आप ग्राफ को ड्रॉ करो। x की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन x जीरो नहीं है, तो यहां पर थोड़ा सा गैप एक छोड़ देंगे, यानी कि इसको टच नहीं कर रहा है, ग्राफ ऐसे चला गया। सही है।
और इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, इस वाले पॉइंट का नाम है 0.1, सही है जी। आइए नेक्स्ट, फिर लिखा हुआ है fx equals minus 1, मतलब फिर से एक बार एक स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस माइनस वन यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, माइनस वन यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से माइनस वन यूनिट के डिस्टेंस पर एक लाइन खींचेंगे जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन किधर खींचेंगे, जिधर x क्या है, नेगेटिव है, x नेगेटिव किधर है, y एक्सिस के टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि इधर एक ग्राफ खींचेंगे। आई होप आप लोग इसको भी समझ पा रहे हैं। तो एक लाइन ऊपर की तरफ, एक लाइन नीचे की तरफ, ऊपर वाला लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में x के, नीचे वाला लाइन नेगेटिव डायरेक्शन में x के, और एक तीसरा डेफिनेशन क्या है इसका, fx equal 0 whenever x is 0, मतलब fx का वैल्यू 0 होगा कब, जब x 0 है। तो जब x 0 है और fx 0 है, इसका मतलब इनपुट अगर 0 डालेंगे तो आउटपुट भी 0 मिलेगा। इनपुट का 0 और आउटपुट का 0 होना ये बता रहा है कि ये पॉइंट है और वो जो पॉइंट है ओरिजिन को डिनोट कर रहा है, और ओरिजिन मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यहां पर होता है। तो ये तीसरा कंडीशन वाला ग्राफ यहां बन गया। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, अगर फिर भी समझने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी होती है तो आप वीडियो को सिंपली पॉज कर सकते हैं या उसको रोक के रिमाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शंस में ग्राफ का, और जहां पर इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। ओके, अब चलिए हम लोग इसके डोमेन की तरफ रुक करते हैं। डोमेन क्या होता है, कैसे निकलता है, इसको समझते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया डोमेन ऐसे इनपुट का कलेक्शन होता है जो मेरे फंक्शन को डिफाइन करता है। और मैं देख रहा हूं कि यहां पर हम लोग इस पूरे रियल लाइन में एक्स का कोई भी वैल्यू ले लें, हम लोगों को तो फंक्शन का ग्राफ दिख ही रहा है, दिख रहा है ना, हम लोगों को फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है, इसीलिए इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, जिसको हम लोग कैपिटल आर भी बोलते हैं। ओके, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। आइए रेंज के बारे में बातचीत कर लें। रेंज क्या होता है, थोड़ा रेंज को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेंज, तो रेंज के बारे में समझ लें। रेंज जो है वो मेरे फंक्शन के आउटपुट को बताता है। तो फंक्शन का आउटपुट क्या है, आप वो ध्यान से देखिए ना, कि अगर हम लोग x के पॉजिटिव वैल्यू को ले रहे हैं तो हर बार फंक्शन का जो ग्राफ है या फंक्शन का जो आउटपुट है हमेशा 1 की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं, बार बार हर एक बार ये आउटपुट 1 ही दे रहा है। जब x में इनपुट वैल्यूज ले रहे हैं तो हर बार आउटपुट ये क्या दे रहा है, माइनस 1 दे रहा है, और 0 के लिए 0 दे ही रहा है। ये तो हमारी डेफिनेशन से भी क्लियर है, व्हेनेवर x इज पॉजिटिव आउटपुट इज ऑलवेज 1, whenever x is negative output is always minus 1, whenever x is 0 then output is 0, that is why range को हम लोग क्या बोलेंगे, एक set के term में लिखेंगे, वो set में minus 1, 0 और 1 होगा। यही तीन अंक ही मेरे signum function का क्या होता है, output होता है, या आप उसको range भी बोल सकते हैं। I hope आप लोगों ने इस video को enjoy किया होगा। My dear student, अगर आपने इस video को enjoy किया और समझा, देर किस बात की, अभी तुरंत आप लोग अपने इसके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।